ये आपके दिलीप कुमार साहब को भी नहीं अंकल जी, बहुत उम्मीद हो गई, बहुत अच्छा शौक करते थे वो, समझा। हैदर साहब थे संकलनों को बनाने वाले, बहुत उत्पादों में गुजरे, तो वो उनको देख देख के, वो वहीं रहते ही वहीं दुकान थी उनकी, उनको देख के उसी हिसाब से हम बनाने लगे, बनाते रहे, फिर बड़ी बनाते रहे और पीसते भी रहे। इसके बाद में जब बहुत बनाने लगे तो उस्ताद कोई था नहीं, हैदर साहब का इंतकाल हो गया था, फिर उनकी शागिर्दगी की साकिब हुसैन साहब। आशु हुसैन साहब मेरे उस्ताद थे और बजाजे में मैंने जो काम हासिल किराना बजाजा लखनऊ लखनऊ। कारोबार नहीं है, कला है ये। शौकिया हमने तो सीख लिया था करीब 45 बरस से करीब कर रहे हैं। आने का भी था, उसके बाद में बनाना भी हासिल कर लिया। कुछ तो मर गए जो बहुत अच्छे अच्छे थे, एक बाबू लाल था जी, एक श्याम लाल थे जी, उनको भी बताया है कि साफ अभी हाल में मरे हैं, समझा। बहुतों को बताया जी, याद भी नहीं। पहले बहुत अच्छा शौक होता था, अच्छे लोग भी थे, छोटी रानी के साहबजादे लड़ाते थे, राजा साहब भी लड़ाते थे, मुनव्वर नवाब साहब थे वो भी लड़ाते थे,
मुनव्वर नवाब साहब भी नहीं रहे, एक डॉक्टर टी बहादुर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान था, वजीर आजम जो पहले थे। हर सूरत की रंगीन भी बहुत बनाई, ज़्यादातर लोग कहते थे कुछ ना कुछ रंग जोड़ दीजिए, प्लेन भी बहुत बनाई, वो सब करते रहे। अब वो बात कहाँ, एक सीन की भी बात होती है, रास्ता चलना तो दूभर है। बेची नहीं, पहले हम बेचते ही नहीं थे, ये तो अब हम बिजनेस करने लगे, वो भी हर एक को नहीं, जो कुछ खास लोग हैं वो ही ले जाते हैं, इतनी बना ही नहीं पाते हैं, इतनी बनी नहीं पाती। मैं पहले अमीनाबाद क्लब से लड़ाता था, शुरुआत जो थी दरिया ग्राउंड पे, तो अमीनाबाद क्लब से थी।